नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 18 जुलाई से 25 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे कि वर्गो के अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं उनकी वर्गों के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वांड्स, जो नाइट ऑफ वांड्स, तो बहुत अपना पैशन अपना जुनून फॉलो करने के लिए बहुत जल्दी से कोई आ रहा है, या कह सकते हैं कि उन्हें अपना पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन पहले रिश्ते में पहले अपने आप को प्रिपेयर तैयार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में किया गया काम नुकसान हो सकता है। तो इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो कार्ड आए हैं द चैरियट, किंग ऑफ वांड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो वर्गों के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, स्टक एनर्जी में है, वो कन्फ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि जो उनके जो वर्गों हैं उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आँखों से पट्टियाँ खोलने की ज़रूरत है, तभी वो इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर आ सकेंगे। और इस रिश्ते में वो एक तरफ की ना सोचें, दोनों तरफ का सोचें। अगर वो एक तरफ की सोचेंगे तो परेशानी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर वो इस रिलेशन में को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपना पैशन ज़रूर फॉलो करें, अपना जो उनको अच्छा लगता है वो काम ज़रूर करें, लेकिन इसमें होने वाली नेगेटिविटी को भी इग्नोर ना करें। जो क्योंकि जो चीज़ें हर चीज़ जो भी दिखाई जाती है वो सभी सोना नहीं होती, खरी नहीं होती। तो दोनों तरफ का सोच समझ कर ही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। एक तरफा सोच कर मीठी मीठी बातों में ना आए और इस रिश्ते को ख़राब ना करें। दोनों तरफ से दोनों पक्षों की बातें सुने और फिर इसमें कुछ ना कुछ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपनी डिटरमिंड बनकर इसमें गिव अप ना करें और इसमें आगे बढ़ें। अगर वो साहस के साथ, करेज, हिम्मत के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और जो वो चाहते हैं वो उसको ज़रूर पूरा करें। लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, पहले अपने आप को प्रिपेयर करके, स्टेबल करके, आंखों से पट्टियां खोल के और दोनों तरफा सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें, मतलब इसमें आगे बढ़ें। अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसा जो वो महसूस कर रहे हैं। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं कि जो वो वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए सोच रहे हैं ऐसा ही वर्गों भी अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच सकते हैं, या फिर वो खुद के लिए ऐसा सोच सकते हैं जो वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए, या खुद के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सबसे पहले उन्हें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और एक दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी और आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं कि वर्गों क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्योंकि अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सॉरी गाइस, ये कार्ड भूल जाते हैं बार बार में, इसलिए रीडिंग भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फटाफट से देख लेते हैं, सफलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बिना सफलिंग के रीडिंग प्रिपेयर नहीं आती। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो वर्गों हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वांड्स, तो
वो महसूस कर रहे हैं जो वर्गो हैं, उनको लगता है कि उनके पर्सन को एक तरफा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को सुन रहे हैं, वो दूसरों की तरफ नहीं सुन रहे हैं। तो क्योंकि अगर कोई भी मीठी मीठी बातें बोलकर उनको कहता है कि ये बात हुई है तो वो उन पर विश्वास कर लेते हैं, कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें, वो दोनों तरफ के दोनों पक्षों की सुने और तभी डिसीजन लें। या ये भी कहा जा सकता है कि हर चीज़ फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी वो ज़रूर देखें, अगर वो इस इग्नोर करेंगे तो उसमें परेशानियां दुख तकलीफें हो सकती हैं, वो उन चीज़ों को भी ज़रूर देखें जो जिनकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आ सकती हैं। और तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो अपने, हालांकि वो करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता है कि जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और वो चाहते हैं कि जब तक वो मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी से काम लें, वो कुछ भी ना बोलें, चुप रहें, और वो जो सोर्सेज उन्हें मिले हैं, उनके पास सभी सोर्सेज हैं, ईमानदारी के साथ वो मैनिपुलेट ना करें, माइंड गेम ना खेलें, लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, या फिर वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो चुप्पी साध कर ना रखें, अगर वो चुप्पी साधेंगे तो इस रिश्ते में कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि इस ये जो द मैजिशियन का कार्ड है वो बता रहा है कि ये माइंड गेम मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ें, अगर डरते घबराते रहेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, और वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, वो फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी ज़रूर देखें, अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफा डिसीजन लेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, और अगर कुछ उन्होंने उनसे छिपाया है, कुछ स्पष्ट नहीं किया, कुछ क्लियर नहीं किया, तो इस रिश्ते में बाधाएँ, परेशानियाँ, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ दोनों पक्षों की सुनते हुए डिसीजन लेना चाहिए, जो ऐसा वर्ग को अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने उनकी नहीं सुननी चाहिए, दूसरी तरफ की भी सुननी चाहिए। और देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, एट ऑफ वॉन्ट्स, तो वो एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनसे खुलकर बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना पहचानना चाहते हैं, या तो ट्रैवल करके वो, या तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन चलकर उनके जो वर्गों हैं वो उनके पास चलकर आए, या फिर वो वर्गों के पास चलकर जाना चाहते हैं, या फिर अगर वो फॉरेन में रहते हैं, क्योंकि फॉरेनर का भी कार्ड है, तो ये अगर वो अब्रॉड हैं, फॉरेनर हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बातें हो सके वो बातें करना चाहते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, फ़ोन कॉल चाहते हैं कि वो खुलकर इस रिश्ते के बारे में बातें करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में वो न्यू ग्रैंड बिगनिंग तो करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में
उनकी ईगो हर्ट हो रही है, माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं और उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसीलिए अभी काफ़ी नेगेटिव फेज से भी ये रिश्ता गुजरा है। तो अभी उन्होंने सोच लिया है कि अभी वो इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, मेडिटेट प्रेयर करना चाहते हैं। जब वो उनको रिलैक्स मिलेगा, जब उनको लगेगा कि वो ठीक हो गए हैं, तो तभी वो इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, वो चाहते हैं कि इसको जब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है और उनका उनके दिल को तसल्ली मिलती है, वो जो उनका हार्ट दुख रहा है वो दुखना बंद हो जाता है, तो वो इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपस में खुलकर बातें करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके जो उनको मिल रही है, इसमें इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वर्गो क्या चाहते हैं अपने पर्सन के लिए, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, तो वर्गो के पास अपॉर्चुनिटी है, फिर भी वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में दोबारा से आए, उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी वो खुशियाँ दोबारा से लौट कर आएंगी, कब वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा। तो स्टक एनर्जी वो में है, वो स्टक हो चुके हैं, वो कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है, वो डिप्रेशन में है, कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं, वही अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और लगातार वो वेट कर रहे हैं कि कब इस रिश्ते में वही सब कुछ हो जो पहले हुआ करता था। उसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स एंड द लवर्स, तो जो वर्गो हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार है। ये लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, अट्रैक्शन है, काफ़ी ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन के साथ साथ कुछ एडिक्शन भी हैं। और जो अट्रैक्शन है वो जो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें प्यार तो है लेकिन दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो खुल कर बातें करें और इसको थोड़ा सा समय दें, वक्त दें और आपस में बैठकर खुल कर बातें करें, एक दूसरे के बारे में खुल कर बताएं कि इसमें प्यार के साथ साथ दूसरे के प्रति भी उनका अट्रैक्शन हो सकता है। अगर उनको ठीक लगे तो वो आगे बढ़े, और वो समय रहते चाहते हैं कि वो इसमें डिसीज़न लें, जो भी डिसीज़न लेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिलेंगी। और ये मैं ये नहीं कहती कि ये जो अट्रैक्शन है ये कोई गलत तरीके से है, लेकिन किसी किसी की जो कोई कोई पर्सन होता है जो दूसरों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, वो बहन भाई का रिश्ता भी हो सकता है, किसी पड़ोसी का भी हो सकता है, किसी दोस्त का भी हो सकता है, तो कई बार इस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए वो मतलब उनका स्वभाव ऐसा है कि इनमें से कोई एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, तो वो खुलकर उन्हें बातें करने की ज़रूरत है, तभी डिसीजन लें जब वो खुलकर आपस में बातें कर लें और समय रहते डिसीजन लें। अगर वो समय गवा दिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ये रिश्ता हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है। और इसमें जो वर्गो हैं आगे जाकर इससे बच्चे भी चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जर्नी, हैप्पी सब कुछ इस रिश्ते से चाहते हैं। और इस कंफ्यूजन उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो उसी का लगातार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो कोई भी ऑप्शन ग्रैब करना नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को खुशियों भरा बनाना चाहते हैं, न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं। और एक क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम रहा है एक दूसरे से, तो वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि वो समय रहते इसमें डिसीजन लें, खुलकर बातें करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि ये हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम बने और आगे जाकर इस रिश्ते से बचे। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा।
इसका आउटकम क्या रहने वाला है। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ट्रूथ बाहर आ रहा है, कोई सच्चाई बाहर आ रही है, या फिर एक ये रिश्ता दोबारा से शुरू होने जा रहा है, मतलब एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस एंड द हायरोफेंट, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड इस रीडिंग के अभी लास्ट में आ रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, संस्कारों के साथ इस रिश्ते को बिना कोई चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना के कोई इसमें एडिक्शन के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता आगे जाकर लग्जूरियस इस रिश्ता ये गॉर्जियस हो सकता है। इसमें नेम और फेम हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और ये रिश्ता एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है और लग्जूरियस लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। नेम फेम सक्सेस बिजनेस सब कुछ इस रिश्ते में होगा और काफ़ी पर्सनैलिटी होगी, काफ़ी खुशियाँ होंगी, काफ़ी होम बन, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ इस रिश्ते में हो सकती है। ये रिश्ता राजा महाराजा की तरह या रानी महारानी की तरह या बहुत ही सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। और इस रिश्ते इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए शायद कोई हो सकता है कि कोई एक तरफ से ऐसा सोच रहा है या फिर दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। जब वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि रिश्ता आत्मिक रिश्ता, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जन्म जन्मांतर से वो इसमें एक दूसरे को जानते हैं, वो कभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है इस रिश्ते में, तो इसको आगे जाकर वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म का ये रिश्ता हो सकता है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ हैं, काफ़ी प्यार है, अभी वो एक दूसरे से चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर वो शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वो सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आत्मिक फील करते हैं, जन्म जन्मांतर का फील करते हैं कि वो जन्मों से इसे जुड़े हुए हैं। तो वो इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई बाहर आ गई है, ट्रूथ बाहर आ गया है, ऑनेस्टी बाहर आ गई है कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना हुआ है, इसके बिना ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लॉन्ग टर्म रिश्ता हो सकता है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, काफ़ी इसमें एक दूसरे के प्रति लगाव है और इसमें किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी एल्डर गुरु की भी मदद ली जा सकती है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसकी गाइडेंस देखते हैं। द एम्प्रेस, द मून एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाना है और इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, तो जो उनके अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जिससे वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इसमें कुछ ना कुछ झगड़ा, पनौती, परेशानियां, दिक्कतें बाहर आ रही हैं, तो उनको ये लड़ाई झगड़ा, ये फाइट से, वाद विवाद, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब ख़त्म करके, इस वाद विवाद को ख़त्म करके और एक दूसरे पर बजाय के दूसरों पर भरोसा करने के जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दे रहे हैं, अगर वो अपने पार्टनर से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, लग्जूरियस लाइफ इस रिश्ते से हो सकती है,
और ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, आगे जाकर इससे बहुत जल्दी बच्चा भी हो सकता है शादी में, अगर जितना जल्दी ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा बहुत जल्दी बच्चा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी भी इस रिश्ते से बहुत जल्दी आ सकती है, घर बनना घर बसना इसमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी फ्रूटफुल रिश्ता होगा। आपको इसमें डरना नहीं घबराना नहीं है, अननोन जो फियर है जो आपके खुद के बनाए हुए हैं उन सब चीज़ों को छोड़कर एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है। ये नेम और फेम मिलेगा इसमें, ये रिश्ता काफ़ी 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को, इस मन मुटाव को ख़त्म करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जब से रिश्ता बना बाधाएं परेशानी आ रही है, नेगेटिव लोगों को छोड़कर पॉजिटिविटी में आपको जाने की ज़रूरत है। सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, प्रेयर करें, हील करें, मेडिटेट करें अपने आप को और ऐसे लोगों के बीच बैठें जो पॉजिटिविटी लाते हैं, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी आपके लिए सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। इस रिश्ते में आप बढ़ सकते हैं, ये रिश्ता आपको खुशियाँ दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और अब तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। और एक अगर अब तक आप कमेंट्स नहीं करते तो अब देने शुरू कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी हो सके और आसानी हो सके काफ़ी, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी लंबी रीडिंग होती हैं, काफ़ी गला दुखने लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। नमस्ते, थैंक यू सो मच।